आपने गाड़ी के निचले हिस्से में बड़ी सी बॉल जैसी चीज तो देखी ही होगी। कभी सोचा कि इसके अंदर क्या होता है? अगर ये चीज ना हो तो आपकी गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या होता है डिफरेंशियल, डिफरेंशियल कैसे काम करता है और क्या होता अगर गाड़ी में डिफरेंशियल ना हो। डिफरेंशियल क्या है ये समझने से पहले जानते हैं कि इसकी जरूरत क्यों आती है। सबसे पहला यूज तो ये है कि डिफरेंशियल इंजन से आने वाली पावर को पिछले टायर्स तक पहुंचाता है। इंजन पावर को एक ड्राइव शाफ्ट थ्रू डिफरेंशियल तक पहुंचाती है और डिफरेंशियल में मौजूद गियर्स इंजन पावर को 90 डिग्री पे मोड़ते हुए टायर्स तक पहुंचाते हैं। अब जानते हैं डिफरेंशियल का दूसरा सबसे बड़ा उपयोग। जब गाड़ी सीधे रास्ते से चलती है तब गाड़ी के दोनों पहिए एक ही गति से चलते हैं। आप समझिए कि आगे मोड़ है, आप गाड़ी में अंदर आराम से बैठे होते हैं पर गाड़ी को मोड़ लेने के लिए नीचे बहुत कुछ चल रहा होता है। गाड़ी जब मोड़ लेती है तब गाड़ी के बाहर के पहियों को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है अंदर के पहिए के मुकाबले। इसका मतलब अंदर के पहिए के मुकाबले बाहर के पहिए को ज्यादा गति से घूमना होगा। अगर दोनों पहिए एक ही शाफ्ट से जुड़े होंगे तो दोनों एक ही गति से घूमेंगे, जिसके चलते गाड़ी को मोड़ने पे आगे के पहिए तो मुड़ जाएंगे पर पीछे के पहिए की गति एक जैसे होने से या तो गाड़ी स्कीड होगी या फिर पलट कर गिर जाएगी। यही प्रॉब्लम सुलझाने के लिए डिफरेंशियल का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए समझते हैं कि डिफरेंशियल कैसे काम करता है। इसे कहते हैं पिनियन शाफ्ट, जो ड्राइव शाफ्ट से जुड़ा रहकर उसके साथ ही घूमता है। इन्हें कहते हैं डिफरेंशियल साइड गियर्स, जो एक एक्सल शाफ्ट थ्रू टायर्स से जुड़ा होता है और ये दोनों टायर्स एक दूसरे से जुड़े नहीं होते। ये है रिंग गियर या सन गियर, जो डिफरेंशियल केस में सबसे बड़ा गियर रहता है। इसके साइज में बड़े होने की वजह से डिफरेंशियल केस में नियमित टॉर्क बना रहता है। अगर आपको टॉर्क के बारे में जानना है तो मैंने एक वीडियो में समझाया है, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। पिनियन और रिंग गियर एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिससे कि इंजन पावर रिंग गियर तक पहुंचता है। ऐसे अरेंजमेंट वाले गियर्स को बेवल गियर्स कहते हैं। रिंग गियर डिफरेंशियल गियर से जुड़ा नहीं होता, जैसे कि आप एनिमेशन में देख सकते हैं, और इन्हें जोड़ने के लिए स्पाइडर गियर्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्पाइडर गियर्स दोनों डिफरेंशियल गियर को कनेक्ट करता है, जिससे कि इंजन पावर रिंग गियर से होते हुए स्पाइडर गियर तक पहुंचता है और डिफरेंशियल गियर्स को घुमाते हुए टायर्स को भी घुमाता है। गाड़ी के चलते वक्त आने वाली स्पीड वेरिएशन के चलते डिफरेंशियल में दो स्पाइडर गियर्स दिए जाते हैं, जो टायर्स को स्मूथली चलाने में मदद करते हैं। अब ये सब तब होता है जब गाड़ी सीधे रास्ते पे चलती है। चलिए जानते हैं कि जब गाड़ी मोड़ लेती है तब क्या होता है। जैसे मैंने पहले कहा कि गाड़ी जब मोड़ लेती है तब बाहर वाले टायर को ज्यादा गति से घूमना पड़ेगा मोड़ लेने के लिए। अब क्योंकि दोनों टायर्स एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, इसलिए वे इंडिपेंडेंटली घूम सकते हैं। जब गाड़ी राइट टर्न लेती है तब इनर्शिया की वजह से स्पाइडर गियर्स घूमने लगते हैं, जिसके चलते बाहर वाले टायर को ज्यादा पावर मिलता है और बाहर का टायर ज्यादा गति से घूमने लगता है और गाड़ी बिना स्कीड हुए मोड़ लेती है। यही सेम प्रोसेस होता है जब गाड़ी लेफ्ट टर्न लेती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।